कारपेंटर भाई आज इस बड़े बॉक्स को देख करके हैरान हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आज मैं कौन सा प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ। तो आज इस वीडियो में जो है मेरे कारपेंटर भाइयों के लिए खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि किंग पावर टूल्स ने आपकी जरूरत को समझते हुए 10 इंच में स्लाइडिंग मीटर सा लॉन्च कर दिया है, जिसका मॉडल है KP385। दोस्तों, स्लाइडिंग मीटर सा में एक ऐसा यूनिक फीचर डाला है जिसकी मदद से आप बहुत ही प्रिसाइजली कटिंग कर सकते हैं। तो वो फीचर क्या है मैं आपको बता दूं, इसमें लेजर गाइड का फीचर है जो कि स्लाइडिंग मीटर सा में बहुत कम मिलता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करूंगी, इसके टेक्निकल फीचर्स की आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये नया मॉडल लॉन्च हुआ है और इसके फीचर्स अच्छे से समझने के लिए अंत तक बने रहिए। तो बिना ज्यादा टाइम लेते हुए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। लेट अस स्टार्ट। स्लाइडिंग मीटर सा का ये आउटर बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर आप क्लियरली देख सकते हो KP385 स्लाइड मीटर सा 10 इंच का ये मीटर सा है। प्रोडक्ट के ऊपर आपको 6 मंथ का वारंटी मिलता है, क्लियरली स्पेसिफाइड ऑन द बॉक्स 6 मंथ्स वारंटी। और जो दो यूनिक चीजें इसमें है, लेजर गाइड ये इसके ऊपर मेंशन है, और साथ में इस मीटर के साथ आपको जो है एक 10x100 टीथ का TCT ब्लेड बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। यानी कि 1000 रुपए का अप्रोक्सीमेट जिसका प्राइस होगा वो आपको इसमें फ्री मिलने वाला है ब्लेड। तो दोस्तों, प्रोडक्ट की दूसरी तरफ बॉक्स में देखेंगे तो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, मैं ये भी आपको जो है यहाँ ब्रीफ कर देती हूँ। दोस्तों, जैसे कि 10 इंच का ये मीटर सा है तो इसमें जो ब्लेड लगाएंगे आप 255 mm यानी कि 10 इंच का इसमें ब्लेड लगेगा मैक्सिमम। और इसका जो पावर है बहुत ही पावरफुल मोटर है, 2200 वॉट का ये पावरफुल मशीन है। नॉर्मल घर की सप्लाई 230 वॉट 50 हर्ट्ज पे ये ऑपरेट होगा, और जो इसके नो लोड स्पीड है वो 5000 रेवोल्यूशन पर मिनट है, और इसमें जो है लेजर गाइड आपको मिलता है फॉर प्रिसाइज कटिंग। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट को डिजाइन करते हुए किंग ने क्वालिटी एज वेल एज कॉस्टिंग का ध्यान रखा है, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस है इसका। तो चलिए हम इसको खोल करके आपको दिखाने वाले हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, क्या क्या मिलने वाला है अभी देख लेते हैं। ये ब्लेड है, जैसे कि मैंने आपको बॉक्स के ऊपर भी बताया था, 10x100 teeth का ये TCT ब्लेड आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। ये एक नायलॉन का जो है डस्ट बैग मिलेगा आपको, ये इसका अटैचमेंट है, कैसे लगाना है आपको मैं दिखाऊंगी, और ये इसका यूजर मैनुअल है। साथ में आपको जो है एक ही सेल का सेट मिलता है, जैसे इसमें लेजर लाइट का फंक्शन है तो उसको ऑपरेट करने के लिए आपको सेल डालने पड़ेंगे, तो एक सेल का जो है सेट भी आपको दिया हुआ है। एक एक्स्ट्रा कार्बन सेट आपको मिलता है, और आपको जो है एक ये एलन की मिलती है ताकि आप अपने जो बोल्ट्स हैं वो खोल सकते हैं। तो ये एक्सेसरीज आपको साथ में मिलने वाली है। तो चलिए अब मैं मशीन को निकाल करके आपको दिखाती हूँ, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका पैकिंग भी बहुत अच्छा करा हुआ है ताकि हम इसको कहीं पे भी भेजना चाहे तो कुछ भी डैमेज ना हो। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से जो है इस प्रोडक्ट को अंदर भी देखिए कितने अच्छे से रखा हुआ है। अच्छा, चलिए अब हम इसको निकाल करके दिखाते हैं। इनका ये 10 इंच का स्लाइडिंग मीटर सा है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन प्रोडक्ट किंग के द्वारा ये बनाया गया है। एक बारी मैं आपको जो है इसका व्यू घुमा करके भी दिखा देती हूँ, आप देखिए। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार दमदार प्रोडक्ट है। तो चलिए अब आपको जो है इसके फीचर्स दिखाती हूँ। सबसे पहले जो मैं यूनिक फीचर की बात कर रही थी, मैं सबसे पहले आपको वही बताती हूँ। आप यहाँ देखिए, मैं फोकस कर रही हूँ, तो ये हमारा जो है लेजर फंक्शन है, और यहाँ पे इसका लेजर को ऑन करने का जो है ये ऑन ऑफ स्विच है, और इसमें जो है बैटरीज डलती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। इसके साथ आपको दो सेल्स दिए हुए हैं, 1.5 वोल्ट की जो है ये छोटे सेल्स हैं, आप अपने रिमोट में डालते हैं, एसी के रिमोट में डालते हैं, टीवी के रिमोट में डालते हैं, तो वही सेल्स इसमें डलते हैं। और सेल्स कैसे डालने मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इधर बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के इस ढक्कन को हम खोलेंगे इस तरह से, और इसमें जो है दोनों सेल्स को डालेंगे।
ये देखिए ये स्प्रिंग बना है, जैसे हम अपने रिमोट में डालते हैं वैसे ही सेम हमने इसमें डालने हैं सेल्स। तो ये देखिए हमने दोनों सेल्स डाल दिए हैं और इसका जो ये कवर है हम इसको लगा देंगे। ये कवर हमारा लग गया है, अब मैं आपको ऑन करके लेजर दिखाती हूं इसका। तो ये देखिए आप ये देख सकते हैं ये लेजर जो है लाइट आपको नजर आ रही होगी, मैं अपने हाथ पे आपको दिखाती हूँ। तो ये प्रिसाइज कटिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन फंक्शन जो है इसके अंदर मिलता है आपको, और जब आपको लेजर बंद करना है तो आप यहां से इसको ऑफ कर सकते हैं। तो यहां से जो है ये ऑन ऑफ है, तो ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शन इसके अंदर दिया हुआ है। तो चलिए हम आगे की इसके जो है और फंक्शंस देखते हैं। दोस्तों दूसरा इसमें जो स्लाइडिंग फंक्शन है, जब आपको चौड़े फट्टे की कटिंग करनी है तो आप इसके बैक साइड पे देखेंगे यहाँ पे एक नॉब दिया हुआ है, ये देखिए इस नॉब को आपको लूज करना है जब आपको स्लाइडिंग मूवमेंट इसका यूज करना है। आप ये देखिए कितना फ्रीली जो है इसका मूवमेंट है, बहुत ही फ्रीली जो है ये मूव कर रहा है। जब आपको चौड़े फट्टे की कटिंग करनी है तब आपको इसको पूरा आगे की तरफ मूव करना है और कटिंग करते हुए जो है आपको इस तरह से बैक में जाना है। इस तरह से जो है आप अपने चौड़े फट्टे की भी कटिंग कर सकते हैं, और जब आपको स्लाइडिंग मूवमेंट यूज नहीं करनी है तो आप इस नॉब को टाइट कर दीजिए, तब आपका जो है ये स्लाइडिंग मूवमेंट बंद हो जाएगा, आप नॉर्मली मीटर साह की तरह इसको यूज कर सकते हैं। तो ये दो बेहतरीन फीचर इसके अंदर है। और अब मैं आपको इसके जो है बाकी के फंक्शंस दिखाती हूँ। दोस्तों इसके बेस प्लेट पे आप देखेंगे तो डिग्री मार्क है, तो आप इसमें जो है 45 डिग्री लेफ्ट कटिंग कर सकते हैं एंड 45 डिग्री राइट कर सकते हैं। और डिग्री किस तरह से सेट करनी है आप देखिए, यहाँ पे भी एक नॉब है और नीचे एक बटन है, इसको जो है हम दोनों को प्रेस करके इजिली मूव कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट मूवमेंट है। जितने डिग्री पे आपको सेटिंग करना आप देखिए, इस पे एरो बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इंडिकेटर है जितना डिग्री आपको सेट करना है। जैसे सपोज मुझे जो है अपना राइट साइड पे 30 डिग्री कटिंग करना है तो मैं इसको 30 डिग्री पे सेट कर दूंगी। जब मुझे राइट पे 30 डिग्री कटिंग करना है तो आप देखिए मैं इसको जो है 30 डिग्री पे सेट करूंगी, इस तरह से जो है मैं इसको 30 डिग्री पे सेट करके अपनी जो है कटिंग कर सकती हूँ। दोस्तों ये जो है फेंस है हमारा, जो है जॉब को होल्ड करने के लिए फेंस होता है, और ये जो लेफ्ट साइड का फेंस है ये स्लाइडिंग फेंस होता है। तो इसके पीछे जो है नॉब है आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा फोकस करके, ये नॉब है, इस नॉब को लूज करके जो है ये स्लाइडिंग फेंस जो है आप आगे पीछे कर सकते हैं। और इस फेंस को जो है जब आपने बेवल कटिंग करना है तब आपने इसको जो है बैक साइड पे मूव करना। दोस्तों बेवल कटिंग के लिए आप देखिए इसमें जो है स्केल बना हुआ है, आप लेफ्ट साइड में जो है 0 से 45 डिग्री कटिंग कर सकते हैं। इसके बैक साइड पे जो है नॉब होती है, ये नॉब दिया हुआ है, इस नॉब को जब मैं नीचे की तरफ प्रेस करूंगी इस तरह से तो ये मेरा जो है मशीन टिल्ट हो जाएगा आप देखिए, और जितना डिग्री मुझे करना है, जैसे आप देखिए इसमें एरो दे रखा है तो ये एरो से हम डिग्री सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इस पे जो है 30 डिग्री सेटिंग करा है, इसकी सेटिंग करने के बाद ये देखिए नॉब है, नॉब को जो है मैं इस तरह से पूरा अपनी तरफ खींच के टाइट कर दूंगी, तो ये पूरा टाइट हो गया और ये देखिए इसका पोजीशन जो है बिल्कुल फिक्स हो गया है। और जब हमें कटिंग करना है यहाँ पे आप देखिए ये हमारा जो है गार्ड है, सेफ्टी गार्ड दिया हुआ है प्लास्टिक का, और इसमें जो ये स्टॉपर है जो इसकी मूवमेंट को रोकता है, जब भी हमें इसको मूव करना है तो इसे साइड करके इस तरह से हमें इसकी पोजिशन में इस तरह से हम कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टॉपर लॉक है, तो ये हमारा जो गार्ड है इसको स्टॉप करता है। दोस्तों अब इसके जो है फ्रंट के फीचर्स भी आपको समझा देती हूँ, तो उससे पहले मैं इसको जो है सीधा कर लेती हूँ 0 डिग्री पे। तो ये मैंने अभी जो है इसको नॉर्मल पोजीशन पे कर दिया है, तो इसके फीचर्स मैं अभी आपको बताऊंगी। दोस्तों ये जो है हमारा स्पिंडल लॉक होता है, जब भी हमें ब्लेड को खोलना है तो हमें ये स्पिंडल लॉक करना पड़ता है ताकि इसकी मूवमेंट जो है वो बंद हो जाए और हम ब्लेड लगा सके, इसका जो नट है उसको खोल सके और ब्लेड लगा सके। दोस्तों इसके फ्रंट के ऊपर आप देखेंगे तो ये कार्बन कैप्स दे रखी हुई है, आउटर बॉडी पे ही कार्बन कैप लगा रखा है, कार्बन चेंज करना बहुत ही ईजी है, आप इसके जो है ये कैप खोल करके जब भी आपके कार्बन खत्म हो जाए आप इसको चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसके टॉप के ऊपर देखिए तो इसकी जो है पूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो मैंने बॉक्स के ऊपर दिखाई थी वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस इसके ऊपर दी हुई है, और यहाँ पे जो है आपको ये बहुत ही बेहतरीन एक हैंडल लगाया हुआ है ताकि आप उसको उठा सकते हैं, और उठाने के लिए सबसे पहले आपको जो है ये हैंडल जो है इसकी आर्म जो है इसको लॉक करना है। आप देखिए ये आर्म लॉक है,
तो यहाँ पे आप देखेंगे एक स्लॉट सा बना हुआ है, आप इसको पूरा नीचे बॉटम की तरफ प्रेस करेंगे और इसको मूव करेंगे तो इस तरह से हमारा आर्म जो है लॉक हो जाता है और आप इसको उठा करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको जो है वैक्यूम क्लीनर का अटैचमेंट भी दिया हुआ है, और अगर आपका काम कम है तो आप ये डस्ट बैग लगा सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर और डस्ट बैग आप तभी लगा सकते हैं जब आपने वुड की कटिंग करना है, एल्यूमिनियम कटिंग में जो है आप ये नहीं लगा सकते क्योंकि इससे जो है ये नायलॉन का कपड़ा है जल जाएगा, तो आप एल्यूमिनियम में नहीं लगाए। जब वुड कटिंग करें तब आप ये दोनों अटैचमेंट्स लगा करके यूज कर सकते हैं इसको। दोस्तों इसके हैंडल पे देखिए आपको जो है ऑन ऑफ स्विच दे रखा है, तो ये यहाँ से ऑपरेट होगा, ऑन ऑफ स्विच दे रखा है यहाँ पे, और इसकी जो डेप्थ कटिंग का जो कंट्रोल है वो यहाँ पे है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है एक स्टॉपर है, ठीक है, तो जब आपको जो है डेप्थ कम कटिंग करना है आप देख सकते हैं ये एक नट है, तो इस नट के हिसाब से जो है आप कटिंग डेप्थ सेट कर सकते हैं और जितनी आप सेट करेंगे आप देखेंगे स्टॉपर से वो रुक जाएगी, और यदि आपको फुल कटिंग करना है तो आपको ये स्टॉपर हटाना है और इस स्टॉपर को हटा करके आपका मशीन पूरा जो है नीचे तक चला जाएगा और पूरी डेप्थ जो है आप कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम इसकी डेप्थ कटिंग कंट्रोल करते हैं, साथ में आपको ये अटैचमेंट भी मिलती है, तो ये अटैचमेंट जो है इसके बैक साइड पे आप देखेंगे इसमें होल बना हुआ है, मैं आपको फोकस करके दिखाती हूँ। ये जो है इसके बेस के ऊपर जो है एक ये होल दिया हुआ है, इस होल पे जो है हम ये नर्लिंग वाला पार्ट जो है इसके बेस में बिठाएंगे। दोस्तों जैसे ये मेरी जॉब है, मैं थर्माकोल पे ही आपको जो है किस तरह से जॉब होल्ड करना है दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जैसे मैंने ये जो है अपना जॉब यहाँ रखा है और यहाँ पे इसको रख करके इसको मैं कम्प्लीटली टाइट कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं ये जो है टाइट हो गया है और हिल नहीं रहा है, तो इस तरह से जो है हम इसकी कटिंग कर सकते हैं इस पोजीशन में रख करके। तो दोस्तों अब इसमें ब्लेड कैसे लगाना वो आपको दिखाऊंगी, उसके लिए मैं ये अटैचमेंट हटा रही हूँ ताकि मैं आपको जो है अच्छे से ब्लेड लगाना सिखा सकूं किस तरह से जो है लगाना है। आप देखिए तो ये मैं आपकी तरफ घुमा रही हूँ। दोस्तों ब्लेड लगाने के लिए जो है आपको जो ये ब्लैक स्क्रू नजर आ रहा है, इस स्क्रू को जो है आपको लूज करना है, तो आप उसको लूज करके जो है इसको बैक साइड पे लेके आएंगे। तो आप ये देखिए इस तरह से जो है ये हमारा पीछे आ जाएगा। ये जो है बोल्ट हमें हम खोलेंगे, ये जो हमें एल की मिला है इस एल की मदद से इसको खोलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ स्पिंडल लॉक दे रखा है, तो स्पिंडल लॉक को जो है हम प्रेस करेंगे। ये हमने इसको प्रेस कर लिया। दोस्तों ये जो बोल्ट है क्लॉकवाइज ये खुलता है, एंटी क्लॉकवाइज ये चढ़ता है, तो इसको जो है देखिए मैं क्लॉकवाइज कर रही हूँ तो ये खुल रहा है। तो ये देखिए बोल्ट है, बोल्ट के साथ एक वॉशर दिया हुआ है, ये बोल्ट मैंने खोल दिया है और इसके साथ जो है दो वॉशर्स लगा होता है, एक वॉशर आप इसके साथ लगा रहन दीजिए और एक वॉशर जो बाहर का है वो हमने इसको खोल दिया है। तो दोस्तों ये ब्लेड हमें साथ में मिलता है, इस ब्लेड को मैं लगा करके दिखाती हूँ आपको किस तरह से इस ब्लेड को लगाना है। तो दोस्तों ये किंग का जो है ये टीसीटी ब्लेड है, 10x100 टीथ का है और इसके आरपीएम जो है जो हमारी मशीन के आरपीएम है उससे ज्यादा ही होने चाहिए, तो ज्यादा ही है। और ब्लेड के ऊपर आप देखेंगे तो एरो है, तो ये डायरेक्शन बताता है कि किस तरह से जो है आपको लगाना है। मशीन पे भी एरो है और ब्लेड का एरो जो है मैच करके जो है हम ब्लेड को लगाते हैं। दोस्तों जब भी आप मशीन का ब्लेड खोलें और नया लगाएं तो आप इसको जो है मेन सप्लाई से ऑफ रखें सेफ्टी पर्पज के लिए, क्योंकि ये काफी डेंजरस रहता है ब्लेड, तो आप पावर सप्लाई मेन इसकी ऑफ रखें। उसको लगाना बहुत ही सिंपल है, अभी आपको लगा करके दिखा देते हैं इसको। ये देखिए एरो हमने मैच करके जो है ब्लेड को इस पे बिठा दिया है और उसके बाद जो वॉशर हमने निकाला था वो वॉशर लगाएंगे। तो ये वॉशर हमने बिठा दिया और बोल्ट जो वॉशर के साथ हमने खोला था इसको हम चढ़ा देंगे। तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज जो है ये बोल्ट चढ़ रहा है, इसकी पुट्ठी चूड़ी है। तो इसको स्पिंडल को लॉक करके आप इसको अच्छे से टाइट कर दीजिए ताकि हमारा ब्लेड जो है वो लूज ना रहे। तो ये हमने जो है इसको अच्छे से टाइट कर दिया है, तो ये ब्लेड हमारा लग गया है। और ब्लेड को टाइट करने के बाद जो है ये इसका जो सेफ्टी गार्ड है इसको हम नीचे लाएंगे और उसका स्क्रू जो है टाइट कर देंगे। ये स्क्रू जो हमने लूज करा था अब हम इसको कंप्लीटली टाइट कर देंगे। ब्लेड
ब्लेड हमने लगा दिया है, तो एक बार ये जो है हम आपको इसको चला करके भी दिखाएंगे इसकी पावर कितनी है। तो बहुत ही बेहतरीन पावरफुल मशीन जो है किंग के द्वारा बनाया गया है। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों इसकी इलेक्ट्रिक केबल देखेंगे तो ज्यादा लंबी केबल आपको नहीं दी है कंपनी ने, हार्डली आपको 1.5 मीटर का जो है ये इसमें वायर मिलता है। देखिए ज्यादा लंबी वायर नहीं है बट क्वालिटी अच्छा है, विद 2 पिंच शू। तो इसको मैं भी शू में डाल करके ऑन करके दिखाती हूँ। दोस्तों इसका लेजर भी ऑन करती हूँ और लेजर आपको जॉब के ऊपर दिखे तो मैं आपको के लिए जो है ये जॉब भी सामने रख रही हूँ। आप देखिए कितना स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर आ रहा है, कितना प्रिसाइजली ये कट करेगा जब हम इसको चलाएंगे। बट प्रैक्टिकली मैं भी आपको पूरा चला करके नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ ऑन करके ही इसकी पावर दिखाऊंगी। तो मैं भी इसको चलाती हूँ। दोस्तों बहुत ही शानदार दमदार प्रोडक्ट जो है ये किंग पावर टूल्स के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों मेरा आज का ये प्रोडक्ट जो है मेरे कारपेंटर भाइयों को बहुत पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे भाई जो इस मशीन को खरीदना चाह रहे होंगे, इसका लेटेस्ट प्राइस जानना चाह रहे होंगे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसका लेटेस्ट प्राइस मुझसे ले सकते हैं। दोस्तों ये प्रोडक्ट यदि आपको अपने घर पे चाहिए है तो आप अपना एड्रेस हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, हम लोग इसकी डिलीवरी जो है आपको ऑल ओवर इंडिया दे सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।